कैथल के नौच गांव में एक बछड़ी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी राजस्थान का रहने वाला था, जो नौच गांव में पत्थर लगाने का काम करता था। मिली सूचना के आधार पर यह पता लगा है कि इस आरोपी ने एक बछड़ी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की कोशिश की, जिसके बारे में बछड़ी के मालिक को भनक लग गई और तुरंत उसने इस घिनौने वारदात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। देखिए, हमें शमशेर सिंह जी हैं नौच के, वहां से शिकायत प्राप्त हुई थी, कंप्लेनेंट हैं कि जो उनके यहाँ एक आदमी है भरत लाल, वो पत्थर लगाने का काम कर रहा था घर में, और उसने जो है जो बाड़े में जो भैंसे और गायें बंदी होती हैं वहाँ बचिया के साथ में दुष्कर्म किया। उसके बेस पे 377 का केस रजिस्टर्ड करके मेडिकल कराया गया गाय का भी, ताकि उसको भी गिरफ्तार किया गया, उसका मेडिकल कराया गया, सैंपल जो है फसल भिजवाए जाएंगे और अब उसको जुडिशियल भेजा जा रहा है। तो सर कब से ऐसा कुछ जांच में आया, कब से कर रहा था सो कुछ ऐसा? देखिए, ये तो अभी तफ्तीश का विषय है कि उसने पहले कितनी बार किया है या जिसने पहली बार ही किया है वो मेडिकल में पुष्टि होकर आएगा, लेकिन हमने उसका जो है दोनों का मेडिकल करा दिया, गाय का भी करवा दिया है वेटरनरी सर्जन से और इसका भी करवा दिया है। मेडिकल में क्या पुष्टि हुई? मेडिकल में तो वो रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद में ही बताया जा सकता है, क्योंकि एफएसएल में जो सीमन की होती है, क्योंकि ये ह्यूमन सीमन है, वो तो रिपोर्ट जो है एफएसएल मधुबन से आती है, और जो गायें के ऊपर जो वो कुछ ब्लड का लगा हुआ था वो लिया है, और जो ये अक्यूज है इसके ऊपर भी कुछ ब्लड स्पॉट्स थे, फिलहाल जिससे इसकी पुष्टि हुई है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया? हाँ, कोर्ट में पेश किया गया और उसके जुडिशियल के ऑर्डर हो गए, उसको भेजा जा रहा है जेल में। फिर कहाँ से आरोपी? ये आरोपी जो है ये खिरवाल गाँव है राजस्थान का, किरावल गाँव राजस्थान का, वहाँ का रहने वाला है। नौच गांव में हुई इस घिनौनी वारदात ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है, देखना होगा कि मामले में आरोपी को कोर्ट की ओर से क्या सजा दी जाएगी। कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।